लोग उन्हें नेताजी के नाम से बुलाते हैं। वो समाजवादी पार्टी के जनक हैं। वो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो समाजवादी आंदोलन का बहुत बड़ा नाम है, मगर भीतर से वो भी एक रोमांटिक इंसान है। वो हैं मुलायम सिंह यादव, जिनकी लव स्टोरी या फिर यूं कहें दूसरी शादी की दास्तान अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली पत्नी का नाम है मालती। मुलायम सिंह की पहली पत्नी मालती ने अखिलेश यादव को 1973 में जन्म दिया। 2003 में अखिलेश की मां मालती देवी की बीमारी की वजह से निधन हो गया। कहा जाता है कि मुलायम ने साधना से तभी शादी की जब वो पहले से शादीशुदा थे। हालांकि उनके परिवार को इस रिश्ते की खबर थी, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा। कौन है साधना यादव? साधना गुप्ता समाजवादी पार्टी में एक छोटी कार्यकर्ता थी। साधना पहले से शादीशुदा थी और उनके पति फरुखाबाद जिले में व्यापारी का काम करते थे, लेकिन बाद में वो उनसे अलग हो गई। 1980 के दौरान वो पार्टी से जुड़ी थी। कब शुरू हुई प्रेम कहानी? 1982 में जब मुलायम लोक दल के अध्यक्ष बने, उस वक्त साधना पार्टी में एक छोटी कार्यकर्ता थी। मुलायम जब राजनीतिक शिखर पर थे, उस वक्त उनकी जिंदगी में साधना गुप्ता का आगमन हुआ। पहली ही मुलाकात में नेताजी अपने से 20 साल छोटी साधना को अपना दिल दे बैठे और यहीं से इन दोनों का प्यार शुरू हुआ। साधना ने दिया पुत्र को जन्म। साधना और मुलायम की प्रेम कहानी भले ही चोरी छिपे चल रही थी, लेकिन मुलायम की मां और उनकी पत्नी मालती को इस रिश्ते की खबर लग चुकी थी। कहते हैं मुलायम पर परिवार का दबाव था, जिस वजह से उन्होंने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। मुलायम सिंह ने हमेशा इस रिश्ते को छिपा कर रखा। 1988 से पहले कोई नहीं जानता था कि मुलायम सिंह का एक और पुत्र प्रतीक है। अमर सिंह ने दिलवाया दूसरी पत्नी का दर्जा। 2003 में मुलायम की पत्नी की मौत के बाद अमर सिंह ने साधना और मुलायम के रिश्ते को एक बार फिर हवा दी। साल 2007 में मुलायम सिंह यादव ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच से बचने के लिए यह स्वीकार किया कि साधना गुप्ता उनकी दूसरी पत्नी है और उनका एक पुत्र प्रतीक भी है। इसी के बाद पूरे देश को पता चल गया कि मुलायम की एक और पत्नी और उनसे एक बेटा है। मुलायम सिंह यादव का ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और भी सियासी किस्सों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।